है जो मनुष्य के दिलों में बसा हुआ है, जिससे जिसको पाकर वो जाग जाते हैं। मतलब कैसे? समझा? मतलब मैं बताती हूँ। भारत एक जलज है, मतलब भारत एक ऐसी चीज है जिस अगर उसको कीचड़ में भी रखे तो उस पर दाग ना रखे। भारत एक कमल के समान है। कमल के समान। भारत एक संज्ञा है विराग की, उज्जवल आत्म उदय की। भारत एक संज्ञा है, मतलब किसी के दिन में मोह माया नहीं है। मीन्स क्या और होता है? सुनने क्या विराग पढ़ते हो? नाम, ठीक मैम भाव है, नाम अर्थात पहचान, विशेषता, ठीक है। तो भारत एक वैराग्य। विराग की संज्ञा है। आगे बढ़ाओ, आगे बताओ। उज्जवल आत्मोदय की। भारत एक आभा है सबसे बड़ी विजय की। अब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, पूरा और समझा दूंगी आपको, जितना आ रहा है उतना बता दो आपको। ही हो रहा। क्या हुआ? मैम कॉल आ रहा है, 1 सेकेंड। बाद में अटेंड करना। कविता की कवि मैम राम, प्यारी मैम रामधुनी सिंह, सिंह राम दिनकर। भारी सिंह दिनकर, ठीक है। और इसके इस प्रस्तुत कविता में क्या बताया गया है? भारत की अनेक विशेषताओं के बारे में बताया गया है। यह भारत केवल मानचित्र में दिखने वाला ही नहीं है, केवल मानचित्र में दिखने वाला ही देश मात्र नहीं है, अपितु क्या है ये? मनुष्य के हृदय में बसने वाला, निष्काम रूप से एकता के भाव का संदेश देने वाला है। प्रत्येक मनुष्य के भविष्य को संवारने वाला देश है, ठीक है। यह भारत एक स्वप्न है, भारत एक स्वप्न जैसा है, इस पृथ्वी को ऊंचाई तक ले जाने वाला, अर्थात भारतवासियों में भारत देश को उन्नति के पथ पर ऊंचाई तक ले जाने का उत्साह है, भरा हुआ है। स्वर्ग को पृथ्वी पर, अर्थात इस पृथ्वी को स्वर्ग के समान सुंदर बनाने का जोश इनके अंदर भरा हुआ है। मैम स्क्रीन तो शेयर कर दो। मैम शेयर नहीं होगी बेटा, बुक्स खरीदो आप जल्द से जल्द। ओके, इसमें वैसे भी ब्लर आ रही थी, वॉइस इज ब्रेकिंग। तो ब्रेक है ना? स्क्रीन ब्लर आ रही थी, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप लोग जल्द से जल्द बुक सेट खरीद लीजिए। ओके, तो आगे देखिए, और भारतवासियों के मन में क्या है? पृथ्वी को, भारत को स्वर्ग के समान सुंदर बनाने का उत्साह है, उमंग। भारत के लोगों के दिलों में बसा एक सुंदर भावना है। और भारत क्या है? लोगों के दिलों में बसी हुई एक सुंदर भावना है, जिसे याद करके मनुष्य उमंग से भर जाता है, जिसे याद करके मनुष्य जागता है, सोता है। भारत एक ऐसा कमल है। और क्या है? भारत एक ऐसा कमल है जो कीचड़ में रह के भी उस पे दाग नहीं लगता, ठीक है। और भारत के लोग संस्कारी, सुसंस्कारी और शांति प्रिय है। आगे देखिए, थर्ड पैराग्राफ। भारत विराग की संज्ञा है। भारत किसकी संज्ञा है? किसकी उपमा दी गई है भारत को? विराग के। अर्थात भारत में चारों ओर संतुष्टि देखने को मिलती है। लोगों के मन में संतुष्टि है, किसी चीज की चाह नहीं है, किसी प्रकार का लाभ नहीं, लोभ नहीं है मन में, लालच नहीं है। और भारत की विश्व में चमक देखने को मिलती है, और यही भारत की पहचान है। इस चमक विश्व में भारत की चमक को देख के लोगों के मन में क्या है? उत्साह बढ़ता है कि हमारे देश का इतना नाम है पूरे विश्व में। आगे देखिए, भारत एक भावना है। भारत एक भावना है, जलन की भावना को हरने का, विश्व जलन की भावनाओं के को हरने का, अर्थात
भारत में लोगों के दिलों में ईर्ष्या, द्वेष, लालच नहीं है। भारत एक कल्पना है जो मनुष्य को राग द्वेष से मुक्त करती है। और जहां भी हमें एकता दिखे, अखंडता दिखे, आपसी भाईचारा दिखे, प्रेम दिखे, तो वही मान लीजिए कि हमारा भारत देश जीवित है। ठीक है, आगे लास्ट वाला पैराग्राफ। भारत की विशेषताओं की कड़ी में कवि और यहाँ जोड़ रहे हैं कि जहाँ जीवन साधना साधना नहीं है ब्रह्म में, लोगों का जीवन ब्रह्म में व्यतीत नहीं होता, अर्थात वास्तविकता में लोग यहाँ पर जीवन जीते हैं। अनेक धाराओं का मिला जुला रूप है यहाँ पे। कौन कौन सी धाराएं हैं लोगों के मन में, लोगों के दिलों में, कौन कौन सी त्याग, प्रेम, सम्मान, भाईचारा आदि का समावेश यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ के लोगों में कौन कौन सी भावनाएं देखने को मिलती है? त्याग, प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे के लिए वो त्याग भी कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए वो लोग आनंद पूर्वक त्याग करते हैं। और यहाँ भोग और त्याग दोनों समान भाव से अपनाए जाते हैं। लोग अपनी सुख सुविधाओं को भी और त्याग को, जो दूसरों के लिए त्याग करते हैं, दोनों को एक समान समझते हैं। ऐसे भारत को हम प्रणाम करें। अब बताइए किसके समझ में नहीं आया, कोई डाउट है? विधि, अनम्यूट योरसेल्फ विधि। यस मैम। कितना समझ में आया मुझे बताइए। ये पूछा है कमल की क्या विशेषता है। यस देव जैन, मैम कमल जो है वो हर कीचड़ में भी खिल जाता है, लेकिन वो गंदा नहीं होता एकदम साफ। कमल कीचड़ में रहता है परंतु उस पर कोई कीचड़ का दाग नहीं लगता है। ठीक है, भारत को कैसा स्वप्न बताया गया है अनुप्रिया? भारत को कैसा स्वप्न? लाइन देखिए कहाँ आई है ये। भारत एक स्वप्न है। अलग बताइए। भारत को उसे ऊपर ले जाने का स्वप्न है। भारत को उन्नति के पथ पर ले जाने का स्वप्न है। भारत एक स्वप्न है, भू को ऊपर ले जाने वाला। वेरी गुड। नेक्स्ट, भारत को किसकी कल्पना कहा है? आस्था मैम रिपीट। भारत को किसकी कल्पना कहा है मैम? भारत को राग मुक्त करने की, मतलब बिना किसी मोह माया की राग मुक्त। मैम राग मुक्त भारत है कल्पना मनुष्य को राग मुक्त करने की, ईर्ष्या द्वेष इनकी भावना से हटाने की कल्पना। ओके ठीक है, अपना पीरियड ओवर हो चुका है। अब आप लोग 10 मिनट्स रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्लास होगा। ओके मैम। आप लोगों को फिर से ज्वाइन करना है 9:58, 10 पे ज्वाइन कर लेना। ओके okay?